मौजिज़ सामईन, आकाए नामदार ताजदारी मदीना का एक बहुत मशहूर मौजज़ा जिसको हम शक्कुल कमर कहते हैं, आपने उंगली उठाई और चांद दो टुकड़े हो गया। इस वाक़े को हम आज पेश कर रहे हैं। शायर है जनाब कारी अनवार आलम उदयपुरी, आवाज़ हाजी तस्नीम आरिफ की, म्यूजिक राजू खान जी का है। मुलाहिज़ा फरमाएं। शक्कुल कमर का है, हबीबे किबरिया मुख्तार कुल खैरुल बशर का है। नबुवत का किया ऐलान जिस दम मेरे आका ने, तो ढाया जुल्म उन पर बेपना सब अहले मक्का ने। कभी ऊँटों की सर पर ओझड़ी डाली गई लाकर, कभी गर्दन में चादर डाल के खींचा गया अक्सर, कभी सरकार को सजदे की हालत में सताया है। कभी पागल कभी दीवाना जादूगर बताया है, बिछाए राह में कांटे बहुत और संग बारी की। नबी ने सब्र फरमाया सभी से गमगुसारी की, सितम की बदलिया बरसी जमी सैराब कर डाली। सभी खुश थे के मछली हम थे अब बेआब कर डाली, मगर जिस पर खुदा की रहमतों का अब्र छाया हो वो हर किस मिट नहीं सकता जो हक के साथ आया हो। नबी की काविशों से शम्मे इस्लाम जल उठी, शजर पर शाख दीने रब मचल कर फूल फल उठी। चीर डाला सब्र से जब जुल्मे बेहद का, कलेजा चीर डाला सब्र से जब जुल्मे बेहद का, कलेजा चीर डाला सब्र से जब जुल्म बेहद का, खुदा के फजल से लहरा गया झंडा मोहम्मद का। चर्चा तो घबराए सभी कुफार, फिर तो बूजहिल के साथ में आए।
हसद की आग से दिल अपना अपना भर लिया सबने। उसी दम इत्तफाकन राय से तय कर लिया सबने, यमन से अब हबीबे यमनी को बुलवाइए जल्दी, यहाँ के हाल से आगाह उसे फरमाइए जल्दी। है मक्का शहर पे छाया हुआ गहरा असर उसका, वो समझाए तो माने हुक्म सारा शहर फिर उसका। यकीनन छोड़ देगा दामने इस्लाम हर बच्चा, हुबल का लात का उज्जा कलेगा नाम हर बच्चा। रवाना कर दिया खत शहर की हालत रकम करके, मिला खत जब हबीबे यमनी को खोला कलम करके। बड़े अरसे में उसको मक्के वालों ने बुलाया था, इसी बाइस खुशी का आंख ने दरिया बहाया था। वो खत पढ़ते ही घर से बद ख्यालों को चला लेकर, नबी को आजमाए दो सवालों को चला लेकर। हुआ मक्के में उसका दाखिला इस शान शौकत से, सभी कुफार मक्का पेश आए खूब उल्फत से। यमनी के घर पर अपाहिज एक लड़की थी, वो थी कानों से बहरी और वो आंखों से अंधी थी। सलामत दस्त पा उसके न थे, चल फिर न सकती थी। बनी थी बोझ वो उसके लिए बस बैठी रहती थी। कोई पानी पिला देता कोई खाना खिला देता, कोई घर पर ना होता वक्त भूखा ही सुला देता। परेशानी थी पूरी जिंदगी उसकी जहन्नम थी, शिकायत उसको किस्मत से थी हरदम आप पूर्णम थी। ये मजबूरी और लाचारी उसे बेहद सताती थी, मगर हाँ माँ उसे दामाने उल्फत में सुलाती थी। दिलासा बाप देता था मगर कुछ कर न पाता था, वो अपनी बेबसी पर खून के आंसू बहाता था। हबीब उन दो सवालों को जो लेकर आ गया मक्का, तो उनमें एक था के मोजिजा मैं उनका देखूंगा। सवाल उसका था दोइम हालते दुख्तर मैं पूछूंगा, बताया जो मुझे सच सच कभी दामन न छोड़ूंगा। खबर जब अबू जहल जालिम ने पाई उसके आने की, खबर जब अबू जहल जालिम ने पाई उसके आने की, खबर जब अबू जहल जालिम ने पाई उसके आने की,
जगह तजवीज फौरन की गई उसके ठिकाने की। तवाजे की शहर का हाल बतलाया, अचानक दीने हक बढ़ना बुतों का काल बतलाया। बहुत बातें कहीं कुफार ने अपनी जबां खम की, बुराई की बहुत सबने शहंशाह हे दो आलम की। कहा ये बूजहल ने देखना एक दिन यही होगा, धर्म मिट जाएगा अपना फकत इस्लाम ही होगा। बड़े एहसान है तेरे हबीब इन मक्के वालों पर, झुका लेंगे ये अपनी गर्दने तेरे सवालों पर। जो तू इनसे कहे तो दामने इस्लाम छोड़ेंगे, मोहम्मद और उसके दीन से मुंह अपना मोड़ेंगे। हबीबे यमनी बोला आपका सब सुन लिया किस्सा, सुनूंगा अब जनाबे आमना के लाल का किस्सा। जरा देखूं वो है कैसे सुना है खूबसूरत है, बहारे उन पे हैं कुर्बान जमाने की जरूरत है। ये सुनकर डर गया वो बूजहल खामोश था जालिम, शरारत थी बसी रग रग में और बाहोश था जालिम। उस वक्त जो सरकार की तारीफ करता था, उस वक्त जो सरकार की तारीफ करता था, अभी उस वक्त जो सरकार की तारीफ करता था, तो सुनकर बूजहल दिल में हसद की आग भरता था। भेजिए आका के लिए मैं मिलने आया हूँ, सवाल खास कुछ दिल में यमन से लेके आया हूँ। सवालों का जवाब आकर मेरे अब आप दे जाएं, मेहरबानी हो जो इस रात में तशरीफ ले आए। खबर पाकर कहा सरकार ने अच्छा मैं आऊंगा, मैं अपने एक सहाबी को भी अपने साथ लाऊंगा, जनाबे अबू बकर को साथ लेकर आप जब आए तो अल्लाह पाक ने उन पर खुशी के फूल बरसाए। सभी हाजिर थे फुसहाए अरब और खूब मजमा था, गए जब आप उस महफिल में एकदम छाया सन्नाटा। झुकाए सर हुए मरूब कोई भी नहीं बोला,
हबीबे यमनी से खुद सरवरे आलम ने ये पूछा, बताओ किस लिए यूं रात में मुझको बुलाया है। तो घबरा कर वो बोला, मेहर का कमतर पे साया है। सुना है मैंने हजरत को नबी होने का दावा है। नबी हो गर खुदा के तुम, तुम्हारा मोजिजा क्या है। दिखाओ मोजिजा कोई, नबी हम मान जाएंगे। दिखाओ मोजिजा कोई, नबी हम मान जाएंगे। दिखाओ मोजिजा कोई, तुम्हें हम मान जाएंगे। खुदा पर और तुम पर हम अभी ईमान लाएंगे। मेरा वो बोला ठीक है, सुनिए दिली है मुद्दा मेरा। चमकता है फलक पर चांद, उसके टुकड़े कर दीजिए। उन्हीं टुकड़ों को लाकर एक जगह फिर उसके कर दीजिए। इशारा जब अंगुष्ठे पाक से हजरत ने फरमाया, चमकता आसमां पर चांद दो टुकड़े नजर आया। हुआ टुकड़े वो टुकड़े देखता था ये जहां उसके। पहाड़ी ओहद की देखी गई फिर दरमियां उसके। सभी घबरा गए बोले, कयामत हो गई कायम। कमर टुकड़े हुआ अफसोस, जहमत हो गई कायम। इशारा फिर किया तो दोनों टुकड़े मिल गए आकर। उठा जल्दी से भागा अबू जहल ये जादू बतला कर। भली तकदीर थी जिनकी उठाकर शान ले आए। पढ़ा कलमा मोहम्मद का सभी ईमान ले आए। ये बोले मुस्तफा कहिए, सवाल अब दूसरा क्या है। मैं खुद तुमको बताता हूँ तुम्हारा मुद्दा क्या है। खुशी हासिल तुम्हें होगी, खुशी के गीत गाओगे। खुशी हासिल तुम्हें होगी, खुशी के गीत गाओगे। खुशी हासिल तुम्हें होगी, खुशी के गीत गाओगे। घर पर हबीब और जाके दस्तक दी, परेशान था। उसी लड़की ने खोला घर का दरवाजा, वो हैरान था। जो लड़की कल तलक माजूर थी, चल फिर न सकती थी। बड़ी हैरत थी वो कैसे अचानक हो गई अच्छी।
बेटी ये कैसे बोली, मैं एक रात सोई थी, जमाने को भुलाकर ख्वाब के आलम में खोई थी। यकायक चांद सा चेहरा, स्याह जुल्फें नजर आई, के उनको देखते ही बाप मेरी आंख भर आई। वो बोले बाप ने मक्के में तेरे पढ़ लिया कलमा, यमन में रह के पढ़ तू मजहबे इस्लाम का कलमा, पढ़ा कलमा तो अपना हाथ मेरे जिस्म पर फेरा, सभी दुख दर्द गायब हो गए, चेहरा खिला मेरा, खुशी से झूम उठा शुक्र के सजदे किए रब को। नबी तशरीफ घर लाए मुबारकबाद दी सबको, हबीबे यमनी के घर में चरागे दीन जल उठा, दिलों में फिर सभी के जज्बे ईमा मचल उठा।